जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड पे। और आज हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश के अर्जक संघ के अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं इनकी ही वीडियो देखकर कई दिनों तक लगातार वीडियो देखते रहा था और मुझ में काफ़ी चेंज आया था। इनका जो वीडियो था जब इनने एक उदाहरण दिया था कि मिट्टी के जो चूहे होते हैं उनको भी बिल्ली पहचान लेती है, लेकिन हम लोग मूर्तियां जो हैं मिट्टी के नहीं पहचान पाते और उनसे अपने लिए दुआएं मांगते रहते हैं, सलामत मांगते रहते हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि हर समय हर कालखंड में भारत में सपूत भी पैदा होते रहें और कपूत भी पैदा होते रहें। कपूतों का काम था कि पूरे भारतीयों को हमेशा ही शारीरिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से शोषण करना। और इसी दौरान हमेशा ये भी हुआ कि कोई ना कोई सपूत पैदा होते रहें और इनकी चुटिया पकड़ कर इन लोगों को नंगा करते रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए, बुद्ध आए, कबीर आए, रैदास आए, गुरु नानक आए, डॉक्टर अम्बेडकर आए। हम लोग उनके समय में तो नहीं रहे, लेकिन आज की डेट में मुझे बहुत खुशी है कि मैं अरुण कुमार गुप्ता जी के समय में हूँ और इनकी वीडियो मैं लाइव देख रहा हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इनसे बात कर रहा हूँ। ऐसे महान पुरुष हम लोगों के बीच में है, तो मैं यहाँ पे समय ना गवाते हुए सबसे पहले तो मैं कहूँगा माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी को कि इनका अर्जक संघ में एक लंबा संघर्ष रहा है। ब्राह्मणवादी आज भी इनका नाम सुनकर कांपने लगते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अर्जक संघ में इनका जो संघर्ष रहा है वो अपने मुँह से थोड़ी सी बातें बताए। हम लोगों ने तो बहुत सुना है, लेकिन जब ये खुद थोड़ा सा अपने बातों से रखेंगे तो आप सब भी जान पाएंगे कि संघर्ष क्या होता है। तो जी स्वागत है सर आपका। देखा जाए, मैं अर्जक संघ में आने के पहले मैं मार्क्सवादी हूं और मार्क्स के विचार से काफ़ी प्रभावित होकर नक्सली मूवमेंट का नाम आप लोग सुने होंगे, नक्सलाइट जिसको कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मैं डीप अध्ययन किया और उसके बाद मैं नक्सलवादी आंदोलन हुआ, इससे मैं जुड़ा। और बहुत लंबे समय के बाद मैं जेल 10 वर्ष गुजारे, नक्सली मूवमेंट में दर्जनों हत्या में मुझे इन्वॉल्व किया गया और 10 वर्ष कंटिन्यू जेल में रहे। 2 वर्ष सूरज नहीं देखे, किधर सूरज का उदय हुआ किधर अस्त हुआ। और वहाँ डीप अध्ययन करने के बाद दुनिया के बहुत सारे इतिहास, हिस्ट्री का अध्ययन, केमिस्ट, बायोलॉजी, फिजिक्स, सभी विषयों का डीप अध्ययन करने के बाद जब बाहर मैं आया तो टाटा में एक सभा को संबोधित करने मैं पहुंचा तो एक पाखंडी ब्राह्मण के हाथ में ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, रामस्वरूप वर्मा का लिखा हुआ अर्जक संघ का किताब मुझे मिला। अगर उसका मैं डीप अध्ययन किया तो बड़ी बेचैनी पड़ी कि भारत के नब्ज को कोई पहचाना है, भारत में जो ब्राह्मणवादी संस्कृति काम कर रही है इसके खात्मा के बगैर भारत में कोई चेंजिंग आना संभव नहीं है। यहाँ मार्क्सवाद असफल, बुद्धवाद असफल, कबीर असफल, रैदास असफल, ज्योतिबा फूले, पेरियार, भारत में सभी पदार्थवादी विचार असफल, सत्य विचार असफल और झूठ का सफलता, झूठ का विजय हुआ और सत्य का हार हुआ। ऐसा क्यों हुआ? चूंकि इस देश में ब्राह्मणवाद संपूर्ण भारतवासियों को, शूद्रों को इस तरह से मानसिक इसका ऑपरेशन करके नपुंसक बना दिया। ये गलत गलत परंपरा चला करके, राम पैदा करके, कृष्ण पैदा करके, देवी दुर्गा, भूत प्रेत, जाति पाति, इसे पैदा करके ऐसा शास्त्रों का लेखन किया, ऐसा शास्त्र बनाया जिसके आधार पर हमारे लोगों को गुलाम बना दिया, मानसिक तौर से हमारे लोग नपुंसक बन गए। और इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं, जिसका जीता जागता नमूना, जब भगत सिंह फांसी के सूली पर चढ़ने वाले थे तो वो लेनिन के किताब मांगे और पढ़ करके कहे कि मैं नकली लड़ाई लड़ गया, अंग्रेज को अभी 200 वर्ष यहाँ रहना चाहिए, असली लड़ाई तो हमें लड़ना हमें बाकी है। अगर मैं जेल से मुक्त हो जाता तो यहाँ का असली लड़ाई लड़ने के लिए मैं शंखनाद करता और असली लड़ाई तो यहाँ के ब्राह्मणों से लड़ना बाकी है। इसी पर उनकी फांसी हुई, नहीं तो अन्यथा कोई फांसी का उनके पास एक्ट नहीं था, वो फांसी से बिल्कुल बच जाते। जब ये घोषित कर दिए, घोषणा कर दिए कि मैं असली लड़ाई नहीं लड़ा, नकली लड़ाई लड़ा, जो अंग्रेज के खिलाफ, अंग्रेज भारत छोड़ो में मैं खूनी क्रांति करके और बम मार करके मैं रिपेंट कर रहा हूँ,
असल लड़ाई तो ब्राह्मणों के साथ लड़ने का असल रह गया। ऐसी स्थिति में ये इस सारे विषय को पढ़ने के बाद, दीप अध्ययन करने के बाद, मैं ये समझा, नक्सली मूवमेंट को मैं देखा कि तो भगत सिंह वाला हालत होगा कि यहाँ तो मार्क्सवाद सफल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ मार्क्सवादी में जितने हैं सब सवर्ण हैं, सब ब्राह्मणवादी लोग हैं। यहाँ जितनी भी नेशनल पार्टियां हैं, सारे पार्टी का नकेल लगाम ब्राह्मणों के हाथ में है। यहाँ जब तक पेरियार जैसा नेतृत्व, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद अंबेडकर जैसा नेतृत्व बैकवार्डों में नहीं होगा रिवोल्यूशनरी, तब तक यहाँ ब्राह्मणवाद का कोई नुकसान नहीं कर पाए, ब्राह्मणवाद को उखाड़ नहीं फेंकेगा, क्रांति यहाँ संभव ही नहीं। नेतृत्व जब तक नहीं होगा, क्रांति नहीं होगी। क्रांति का अर्थ यहाँ कोई नहीं समझता है, पढ़ा लिखा आदमी भी क्रांति किस चीज को कहते हैं। क्रांति का अर्थ होता है जीवन के चारों क्षेत्र में आमूल परिवर्तन। क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन, जिसका इंग्लिश में रिवोल्यूशन, फारसी में इनकलाब और हिंदी में हम क्रांति कहते हैं। जिस चार जीवन के चारों क्षेत्र में आमूल परिवर्तन जब तक नहीं होगा, क्रांति नहीं कहा जा सकता है। और बुद्ध क्रांति नहीं किए, सुधार किए, कबीर सुधार की बात किए, और पेरियार या जो कुछ है सुधार, भारत में आज तक क्रांति का कोई लड़ाई ही नहीं लड़ पाया। क्रांति तब, ये अर्जक संघ ही क्रांति का बिगुल फूंके हुए है, जिस क्रांति का नेतृत्व जगदेव प्रसाद और ये रामस्वरूप वर्मा जैसे लोग हैं शंखनाद किए थे। वो लोग तो मर गए, अब हम इस काम को, अधूरा काम को पूरा करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। और जब तक भारतवर्ष में जाति रहेगी, तब तक ब्राह्मणों का हम कुछ नुकसान नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। यहाँ हजारों जातियां ब्राह्मणवाद का हम माला फेर रहे हैं। जात में हम बने हुए हैं, हम टूटे हुए हैं, धर्म में बने हुए हैं। ये मानव समाज में धर्म और ईश्वर की कोई जरूरत ही नहीं है, जाति की कोई जरूरत नहीं है। जाति तो वनस्पतियों में होती है, जाति पक्षियों में होती है, जाति पशुओं में होती है, उस तरह से जाति इंसान की नहीं होती है। जैसे हम समाज में देखते हैं कटहल, आम, लीची, जामुन, सेब, नारंगी, ये सब देखते देखते पहचान जाते हैं। पशु को, गाय, भैंसी, बैल देखते देखते हम पहचान जाते हैं। वनस्पति को पहचान जाते, मछलियों को देखते देखते भी देखते हैं पहचान जाते हैं कि रोहू है, भकुरा है, नैनी है, गैंचा है, वगैरह वगैरह। क्या उसी तरह से इंसान की जाति है? यहाँ का संपूर्ण शिक्षित लोग, IAS IPS से लेकर यहाँ का मंत्री, विधायक, मुखिया, जितने लोग हैं बैकवार्ड के या फॉरवर्ड के, तो वो सुसज्जित रूप से, विधिवत रूप से वो समाज को बेवकूफ बनाने के लिए इसको चला रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन हमारे लोग सत्य को झूठ के रूप में और झूठ को सत्य के रूप में मान के चल रहे हैं। सत्य को सत्य के रूप में समझना ही ज्ञान है, और सत्य को अगर हम झूठ समझ करके चलें और झूठ को हम सत्य मान लिया कि हनुमान सूरज निकल गया, 100% से भी फाजिल कहा जाए तो अतियुक्ति नहीं होगी। हनुमान सूरज निकल गया और अयोध्या में तुलसी बैठ करके देख करके लिख रहा था कि हनुमान सूरज निकल गए, इस तरह से कपोल कल्पित बात को यहाँ का पढ़ा लिखा IAS IPS भी कहता है, डॉक्टर इंजीनियर से मेरी बात होती है, वो भी कहता है उस समय का हनुमान लील गया होगा, हनुमान पहाड़ उठा लिया और फ्लाई करके लंका जा रहा था। ये सारी कपोल झूठी बात पर अगर हम माइंड एक्सरसाइज करते हैं, वो भी निरर्थक होता है कि, और हम स्थापित कर रहे हैं ब्राह्मणवाद को, उस पर का उसका तो नाम लेना ही अपराध है। राम का नाम लेना ही अपराध है, कृष्ण का नाम लेना, शिव का नाम लेना अपराध है। तो उसका नाम ले ले करके हम जिंदा करके उसको, हम इसका वाहक नहीं है। दुनिया में कहीं राम पैदा नहीं हुआ, कृष्ण कहीं पैदा नहीं, हनुमान कहीं पैदा नहीं हुआ दुनिया में, इस और भारत में ये ब्राह्मणवाद इतना कि जर्रा जर्रा परमाणु शरीर के संपूर्ण DNA ब्लड के एक एक कण को दूषित कर दिया है ब्राह्मण। हम अपने बच्चे को, पोता पोती को कृष्ण का, हनुमान का, गणेश का चित्र रख देते हैं, कहते हैं कि जौन जय जूता मारेगा, जय लात मारेगा, उतना रुपया मैं दूंगा। सब पोता पोती 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष 8 वर्ष का लगता है उसको चढ़ के लतियाने जूतियाने, कि अभी से उसका मेंटली उसका इफेक्ट ये न पड़े कि कहीं जाते समय रास्ता में हनुमान का मूर्ति देख ले तो सैल्यूट मारना शुरू कर दे। अभी से बच्चे को जब तक हम उसको तालीम नहीं देंगे कि ये सब कुछ नहीं है, समाज को थोपी गई एक व्यवस्था है, झूठी बात है, ये परंपरावादी हम बने हुए हैं, इसको छोड़ना होगा। लेनिन जब रूस में बोल्शेविक क्रांति सफल हुई, तो यहाँ से वैज्ञानिक चिंतक चौधरी महाराज सिंह भारतीय सोवियत संघ गए तो कहे कि यहाँ का सामाजिक व्यवस्था को हम देख लिया, लेकिन यहाँ के विद्यार्थियों को, बच्चों को हम थोड़ा मेंटली टेस्ट करें कि यहाँ एजुकेशन का क्या असर है, बच्चों का क्या सोच है।
एक स्कूल में गए, भारती जी पूछे, अरे बच्चे तुम्हारा क्या नाम है, तो फलाने, पढ़ने का उद्देश्य क्या है, तो पढ़ने का उद्देश्य है समाज को कंसस करने के लिए, समाज को मतलब कि दिशा देने के लिए पढ़ रहे हैं और सत्य को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताओ तुम किस धर्म को मानते हो, तो धर्म तो हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, मानव धर्म इंसानियत एक व्यवस्था है। तो तुम्हारे यहाँ क्या गिरजाघर नहीं है, उसमें जाते हो, तो नहीं मेरे यहाँ तो अक्टूबर क्रांति सफल हुआ तो यहाँ का जितना गॉड था सब भारत में भाग कर चला गया, यहाँ गॉड उड कुछ है नहीं, सारा गिरजा घर में ताला लगा हुआ है, उसमें मिनी क्रोकोडाइल है, मतलब गिरगिट है, मिनी क्रोकोडाइल है और चूहा है और मकरे के जाल है, ये सब कहना बच्चा शुरू किया, सब उसमें कचरा भरा होने के पहले हमारे खानदान हमारे पूर्वज दादा ये लोग यहाँ गॉड को मानते थे। अब गौड यहाँ से भाग कर सारा भारत में चला गया, भारती जी आकर बोकारो के इस्पात प्लांट में हम लोगों के साथ इस बात को रखे। तो ये सारी बातें हैं, अब यहाँ हम क्या हम कहें, इतना समाज और में इसको निकालने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बुद्ध असफल हो गए, कबीर असफल हो गए, रैदास असफल हो गए, ज्योतिबा फूले पैरियार असफल हो, सारे प्रगतिशील विचार में भारत में सारे प्रगतिशील विचार असफल हो रहे हैं। अब ब्राह्मणवाद सफल है, इसका कारण क्या है कि हमारे जितने राष्ट्रीय लीडर लोग हैं, राज्य के मुख्यमंत्री विधायक सांसद सारे के सारे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं। ये जब तक हमारे लोगों को बूस्ट मॉडल को नहीं जिंदा करेंगे, ये लोग बैकिंग नहीं करेंगे, हमारे पढ़े लिखे लोगों का कर्तव्य बनता है कि समाज को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चंगुल से मुक्त कराने का, ये लोग जब तक आगे आकर के न पहल करेंगे तब तक हमारे समाज को आगे लाना, अब किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि कोई लाइब्रेरी में हम देखते हैं, हम लोग बच्चे थे तो लाइब्रेरी में 10-20 आदमी 50 आदमी मिलता था पढ़ने के लिए, लोग जाते थे। अब तो मैं कहीं पटना से मैं आ रहा हूँ अभी, कहीं कोई लाइब्रेरी में कोई 10 आदमी 5 आदमी अब मिलता नहीं। जितना लड़का का पढ़ा लिखा लड़का यूट्यूब फेसबुक पर मोबाइल पर दिख रहा है, स्कूल में मेढक और चूहा पढ़ रहा है, स्कूल के दीमक पुस्तकें पढ़ रहे हैं, खटमल पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी के पुस्तकों को, लेकिन अब कोई मानव भारत का कोई नौजवान पुस्तकालय में लात नहीं रख रहा है, समाज का कल्याण कैसे होगा संभव? और कोई प्रश्न पूछा जा सकता है? जी बहुत अच्छा लगा हमें आपका ये संघर्ष सुन के, और जिस तरह से आपने संघर्ष किया है वो दर्शकों को भी काफी अच्छा लगा होगा और काफी मोटिवेशन भी मिला होगा कि हमें संघर्ष को जारी रखना है। तो आगे मेरा एक प्रश्न है कि आज तारीख है 19 और कल 20 है, तो 20 तारीख को जो शक संबत है उसके अनुसार सम्राट अशोक की जयंती है जो कि चैत शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। 400 ईस्वी के करीब में जब भारत आए थे तो उन्होंने अपने नोट्स में इसकी विस्तृत चर्चा की है कि जब वो पाटलिपुत्र के दौरे पर थे तो बहुत ही बड़ी एक जुलूस निकाली जाती थी, उस पर बुद्ध होते थे, अशोक होते थे और बहुत धूमधाम से उनका जयंती मनाई जाती थी, लेकिन उसके ठीक अगले दिन किसी राम का कोई नाम नहीं है। और आज की डेट में देखा जाए जस्ट 1600 साल बाद तो देखा जा रहा है कि सम्राट अशोक को ही गायब कर दिया गया है और उसके ठीक अगले दिन कोई काल्पनिक कहानी की किताब है रामायण, उसका एक नायक है कोई राम है, उसको वहां पे थोपकर उसका बर्थडे मनवाया जा रहा है। और हमारे जो सबसे ज्यादा इसमें फंसे हुए हैं ओबीसी वर्ग, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप सम्राट अशोक का जो चरित्र था और जो राम का चरित्र है, काल्पनिक जो राम है उसका चरित्र है, इन दोनों में कैसे ओबीसी वर्ग या जो भी पूरे भारतीय हैं कैसे इसको समझें कि कौन बेहतर है और किसकी तरफ हमें लौटना चाहिए? इसमें बंद हो गया, आवाज नहीं जा रहा। अब फिर से बोला सर, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दूं सर। हाँ जी, काल्पनिक राम और सम्राट अशोक किधर हमें लौटना चाहिए? ओबीसी वर्ग जहां तक देखा गया है कि ओबीसी एससी एसटी वर्ग सम्राट अशोक को भी अपना महापुरुष मानता है, जबकि एक बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी का पिछड़े वर्ग का उसे काल्पनिक राम का झुंझुना थमा दिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि सर यहां पे आप काल्पनिक राम और सम्राट अशोक के बीच में किधर हमें लौटना है, किधर वापसी करनी है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें सर। हमें राम जो 100% काल्पनिक चीज है और यथार्थ सम्राट अशोक बुद्ध
शरण में जब गए, बौद्धिस्ट बने, बुद्ध को स्थापित करने में अपना सारा समय जीवन समर्पित कर दिया, राजपाट को समर्पित कर दिया, और उसी अशोक सम्राट का जो अशोक स्तंभ है, जो भारत का पहचान है, जो भी भारत के अंदर जो भी टेस्ट है, जो कुछ मतलब कि प्रतिष्ठा विश्व में है, बुद्ध और अशोक को लेकर के है। राम को लेकर के भारत में कोई प्रतिष्ठा राम भारत को नहीं दिया, दुनिया में राम का तो कोई जिक्र है ही नहीं। राम ऐसी व्यवस्था का पोषक बताया कि जो व्यवस्था 90% वर्ग के लिए टोटल अहितकारी हुआ, जबकि वो राम हुआ नहीं, उसकी कोई व्यवस्था काल्पनिक, ये सिगुफा इन लोगों ने लिखा रचा। और बुद्ध का और अशोक सम्राट का जो गुप्त का स्वर्ण युग कहा गया, और उस स्वर्ण युग का सफाया यही राम, जो तो वही राम नाम सत्य का स्लोगन अपना मनगढ़ंत रखा रचा, और उसके बाद हमारे समाज को बुद्ध और अशोक के अशोक सम्राट के जस्ट एक दिन बाद रामनवमी का समय फिक्स करता है, क्योंकि उसको मारने के लिए, अशोक सम्राट के इतिहास को गौण करने के लिए उस पर लोगों का ध्यान न जा करके टोटल ध्यान आ जाए राम के ऊपर आ जाए, और उसके बाद इनका सफाया हो जाए और फिर राम वहाँ स्थापित हो जाए। इसलिए चूँकि ये तो टोटल 100% काल्पनिक चीज है, राम एक सिगुफा है, दलील है, झूठी बात है, अफवाह है, ये राम भारत में हुआ ही नहीं। और जो भी हमारे सत्य पर आधारित जो व्यवस्थाएं थे, जो गुप्त काल, स्वर्ण युग, अशोक सम्राट, बुद्ध का जो दर्शन था, उसके आधार पर ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ की थी, जो इतिहास साक्षी है, इतिहास स्वर्ण युग जिसको घोषित किया गया है विश्व में। विश्व के लोग मेरे यहाँ आते थे, तक्षशिला नालंदा में अध्ययन करने आते थे, कला विज्ञान का, आज अमेरिका में लोग जाते हैं, हर चीज हमारे देश से, और अफगानिस्तान से बर्मा तक इतना बड़ा भारत था जिसका जवाब नहीं है। अब जब से ब्राह्मणवाद आया, भारत टूटते टूटते फिर टूटने के कगार पर आ गया है। जब जब ब्राह्मणवाद का यहाँ उदय हुआ है, भारत टूटता गया है, टूटता गया है। ऐसी स्थिति में हम आ पहुँचे हैं। और ये लोग कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के नज़दीक ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध को। ये बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नज़दीक ज्ञान, वो तो इतना टायर्ड हो गए थे, इतना शक्तिहीन हो गए थे कि सुजाता को खिलाने के लिए उसकी नौकरानी आकर के वहाँ साफ सुथरा करके पीपल के पेड़ के नज़दीक प्रसाद चढ़ाने के लिए जो मन्नत मानी थी, शादी के बाद मैं फर्स्ट जीवन में जो खाना बनाऊंगा तो पूजा करके ही इस घर में कोई खाएंगे, तो वही गए थे बौद्ध गया में पीपल के वृक्ष के नज़दीक। वो का हुआ कि वो खीर चढ़ा करके वो चली आई। अब वहाँ बुद्ध थे, जब उस खीर का टेस्ट, सुगंध, खुशबू उनके नाक के नज़दीक ब्रेन में जब प्रवेश किया तो देखे कि खाद्य पदार्थ का खुशबू बहुत बेहतर है, खा करके उनको एनर्जी हुआ और उसी समय अपना फाइनल डिसीजन किए कि धरती पर ये वर्षों से हम तपस्या कर रहे हैं, फाइनल कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, और उसी समय वो पदार्थ का ज्ञान उनके पास हुआ, और उसके बाद तब वहाँ से चल करके सारे देश में ब्राह्मणवाद का, पाखंड का विरोध करके और पाखंडवाद का सफाया और खात्मा बुद्ध की अपने जीवन में। और फिर ये ब्राह्मण लोग ऐसा दाकियानूस नीति निर्धारित कर दिया कि अब अंत में पीपल के नज़दीक बुद्ध को ज्ञान हुआ, पीपल ज्ञान दाता है, पीपल के नज़दीक बुद्ध को ज्ञान हुआ। सारे ज्ञान होने के बाद भारत के ब्राह्मणों का पाखंड का सफाया बुद्ध कर दिए, इसलिए अब फिर कोई कोयरी कुम्हार चमार दुसाध कानू कलवार या ओबीसी एससी एसटी कोई पीपल के वृक्ष के तर जगह बैठ करके कोई तपस्या न कर ले और फिर ब्राह्मणवाद के लिए नया कोई सिद्धांत गढ़ दे बुद्ध के, जैसा हमारे ऊपर खतरा पैदा हो जाए, इसलिए पीपल के नज़दीक घंट टंगवा दिया। इसके बाद कोई मर जाता है तो घंट पीपल के पेड़ वृक्ष पर इसलिए टंगवाता है कि लोग वहाँ बैठे भी नहीं कि तुम्हारा पितर, तुम्हारा बाप या दादा, तुम्हारी दादी, तुम्हारे घर का मरा हुआ व्यक्ति समाज का इसी पर राक्षस बन के, प्रेत बन के आता है कौड़ा पानी पीने, इसलिए वहाँ बैठे हुए तो धर लेगा, बैठोगे तो धर लेगा, इसलिए पीपल को भी बदनाम कर दिया। कितना तीक्ष्ण पाखंड रखता है ब्राह्मण कि पीपल वृक्ष को भी ये लोग नहीं बख्शे और पीपल को भी बदनाम करके और पीपल को भी राक्षस बैठने का जगह बता दिया, प्रेत बैठने का जगह बता दिया। इतना तीक्ष्ण चापलूसबाजी, इतना
क्रूर ढंग का कोई थिंकर समाज को डिविएट करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ जो ब्राह्मणवाद इस देश के लिए पैदा, ये क्यों नहीं भारत के ब्राह्मण आर्य गैलीलियो क्यों नहीं पैदा किया, आइंस्टीन क्यों नहीं पैदा किया, न्यूटन क्यों नहीं पैदा किया, जेम्स वाट क्यों नहीं पैदा, एंटीबायोटिक मोबाइल बनाने वाला एंटीबायोटिक बनाने वाला क्यों नहीं पैदा किया, लेकिन इसके झोला में इसके दर्शन में राम रहीम आसाराम बापू निर्मल बाबा यही लोग पैदा, बुद्ध नहीं पैदा होंगे, कबीर इन लोगों में एक भी पैदा नहीं हुआ आज तक। कोई बता दे कि भारत आर्यों में, भारत में जितने आर्य वर्ग के लोग हैं सवर्ण हैं उनमें एक कबीर पैदा हुआ, एक रैदास, एक पैरियार पैदा हुआ, बुद्ध का तो बात हटा दें, एक काल मार्क्स पैदा हुआ, लेनिन भारत में पैदा हुआ, जगदेव ये आर्यों में पैदा हुआ, कर्पूरी ठाकुर आर्यों में पैदा, ये लोग नहीं पैदा है, ये लोग पैदा किए आसाराम बापू निर्मल बाबा दांती महाराज ये लोग पैदा होते हैं और आज भी हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी पैदा हो रहे हैं, अमित शाह पैदा हो रहे हैं, ये लोग वही चीज पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये स्थिति हमारे नादान लोग हमारे राज्य नेता लोग हैं सब उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं, एक भी हमको जगदेव प्रसाद अम्बेडकर नहीं नजर पड़ रहे हैं, एक भी भारत में चाहे ये मायावती हो लालू हो नीतीश हो मुलायम हो रामविलास पासवान तो सबसे घटिया आदमी निकला, उसका बेटा तो और ज्यादा नरेंद्र मोदी का बेटा, असल में नरेंद्र मोदी का बेटा है रामविलास का नहीं, रामविलास तो उसी का औलाद बन करके मरा, ये सारे लोग उसी का ताकत, अगर ये लोग हमारा कल्याण करता यहाँ के दलित पिछड़ों का कल्याण ये लोग करते तो एक प्लेटफॉर्म पर ये लोग आते कहे ना, अगर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में अगर ये लोग नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं तो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए आज उखाड़ के फेंक आ जाएगा, हमारे नेतृत्व में आ जाए ये मायावती रामविलास पासवान लालू नीतीश, जिस दिन एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा उसी दिन यहाँ से सफाया कांग्रेस का कम्युनिस्ट का और भाजपा का, ये सब एक थैले के चट्टे बट्टे हैं, भाजपा जुतियाएगा तो कांग्रेस में जाओ, कांग्रेस जुतियाएगा तो कम्युनिस्ट में जाओ, इसी तीन ब्राह्मणवादी खेमा में भुलटते रहो, और चौथा खेमा तो यहाँ शूद्रों का है नहीं, बिखरा हुआ है जात के नाम पर, अहिर कोयरी कुर्मी चमार दुसाध के नाम पर बिखरा हुआ है, इनका तो कोई संगठन नहीं, चूँकि हम भी वाहक बने हैं ब्राह्मणवाद के, जाति की पार्टी है, दुकानदारी चल रही है भारत में, हम क्या कहें बंधु, आपको बड़ी अफसोस होता है, मैं ऐसे ऐसे कुछ है इस तरह का गूढ़ बात है, फेस टू फेस मैं कहूँगा उस बात को, लेकिन इस पर मैं मोबाइल पर आइए फेसबुक या यूट्यूब पर मैं क्या कहूँ, कम्युनिस्ट आंदोलन में मैं जो कार्य किया, मैं जो देखा और जो प्रयोग करके सिद्ध किया, जो गजनी किया वो मैं करके दिखाया, गजनी जो सोमनाथ के मंदिर में प्रवेश करके और यहाँ के 56 करोड़ देवताओं को सोना चांदी के देवी देवता को जब कबाड़ के 80 को खच्चर गधा हाथी पर, हिस्ट्री में पढ़े कि 1026 में मुझे गजनी 30,000 फौज लेके पंजाब राजस्थान और गुजरात में सभी सोने चांदी के देवी दुर्गा को कबाड़ के ले गया, 3 लाख क्षत्रिय सेना हार गए, सब भक्त पुजेरी को गजरा मुरली के तरह गजनी खच्चर दिया, जब सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी का बाल नहीं टेढ़ कर सका तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान हमारा क्या बना, इसके बाद भी हमारे वर्ग के लोगों का आंख नहीं खुल रहा, बड़ी हैवानियत का दर्शन है ब्राह्मणवाद, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हम लोगों के जैसा आदमी को महाकष्ट है, महाकष्ट है, डेंग डेंग पर कष्ट है, कहा जाए जी, जी काफी अच्छा लगा, आपने काफी विस्तृत इसकी चर्चा की। और सर एक नेक्स्ट सवाल है, आपने अभी एक बात कही थी कि बुद्ध के जब भूखे प्यासे वो तपस्या कर रहे थे या मेडिटेशन कर रहे थे या जो भी ध्यान लगाते थे तो भूखे प्यासे थे तो खीर मिली, तो उसके बाद से उनने अपने प्रश्नों के हल खोजे और फिर उसको डिक्लेयर किया गया कि हाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, बेसिकली वो अपने प्रश्नों का उत्तर खोज रहे थे। लेकिन आजकल जो ब्राह्मणवादी हैं वो ये प्रचार करते हैं कि पीपल के नीचे बैठने से ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें इतनी गपोड़ बातें लिखी हुई हैं, जैसे ये लिखा हुआ है कि कौशल्या को एक यज्ञ में से इंसान निकला यज्ञ कराने पर, उसने खीर दिया, खीर खाई और वो गर्भवती हो गई और उसे राम पैदा हो गए, और इसी तरह से लक्ष्मण पैदा हो गए, शत्रुघ्न भरत पैदा हो गए, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो ये जो समाज में जो हमारा वर्ग है SC ST OBC
ये तो बताया जा रहा है कि बुद्ध को पीपल के नीचे बैठकर कैसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो रामायण की ये सारी बातें हैं वो नहीं बताई जा रही है। तो इस पे कैसे हमारे ओबीसी वर्ग को, ये तो एक फैक्टर है कि धार्मिक कारणों से फंसा दिया गया है, और हमारे जो एससी एसटी ओबीसी वर्ग है इनको और भी बहुत सारे षड्यंत्र से फंसा दिया गया है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर आप प्रकाश डालें कि कैसे ब्राह्मणवादियों ने ओबीसी एससी एसटी को फंसा रखा है। खुद तो इनकी वर्ण और जाति एक है, लेकिन हम लोगों को बहुत सारी जातियों में और बहुत सारी चीजों में बांट रखा है। तो इस पे सर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। देखा जाए, ये तो आप अच्छी तरह से समझते हैं कि खीर खिलाने से न कोई इंसान पैदा ले सकता है, न कोई जीव जंतु पैदा होगा। तो खीर खिलाने से, मुंह के रास्ते से खीर खाए कोई तो पेट में जाएगा, पेट में गास्ट्रिक जूस, पेट में जब सलाइवा के होकर के जब गुजरेगा गास्ट्रिक जूस उसको पचा डालेगा तो कल पैखाने के रास्ते से खीर निकल जाएगा। यूट्रस में जब तक प्रवेश नहीं होगा तब तक किसी बच्चे की पैदाइश का कल्पना करना ही बेवकूफ़ी होगी। और जिस तरह से चीनी और नमक को एक जगह घोल बना दें और उसमें कहें कि आप चीनी पी लीजिए और नमक छोड़ दीजिए, ये टोटल असंभव बात है। नमक इसमें से पी लीजिए, चीनी का मात्रा छोड़ दीजिए, टोटल असंभव बात है। ये ब्राह्मणवाद में हम गोता लगा करके कुछ नहीं पा पाएंगे, क्योंकि इतना झूठ, जिसको हिटलर एक बार कहा था कि इतना ना झूठ बोल दो कि पूरा समाज जीवन भर उसमें खोजते खोजते अगर किसी व्यक्ति को अंधेरा में, महा अंधेरा, घोर अंधेरा हो, उसमें कहे कि परमाणु खोजो, परमाणु ढूंढो, परमाणु ढूंढ कर लाओ, कभी संभव नहीं। जबकि वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया कि एक इंच के लंबे लकीर पर करोड़ों परमाणु एक लाइन में, एक धारी में अटते हैं। और ये तो अनहरिया बना करके समाज के मेंटली इतना ध्वस्त कर दिया, और इसमें हम लोगों को खोजने के लिए बुद्ध को, बुद्ध के दर्शन को इस तरह से डिफेम करा दिए, देने के लिए ऐसा ऐसा रचना सिगुफा लगाया कि राम पैदा हुआ, हनुमान पैदा हुआ। कितना हम क्लियर करें, कितना ये समाज, चाहे अंबेडकर हो या कोई पैरियार, कितना सफाई दें, क्योंकि हमारे समाज को तो नपुंसक बना दिया। और हम जानते हैं कि राम भारत में पैदा नहीं हुआ, खीर खिला के कोई जीव पैदा नहीं कराया जा सकता है, और खीर बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद उसमें किसी किस्म का बैक्टीरिया फॉर्म नहीं कर सकता, जिंदा रह नहीं सकता है। और जो बच्चा पैदा करने का जो शुक्राणु है, जब तक वो शुक्राणु, इंसान का शुक्राणु वहाँ नहीं प्रवेश यूट्रस में करेगा, तब तक किसी जीव का पैदाइश, जब हम बायोलॉजी में पढ़ करके जब समझ गए और कैसे एक्स और वाई का एथी से बच्चा लड़का लड़की होता है, इसके लिए लोग मन्नत मानते हैं कि हमारा बेटी पैदा हो गया, बेटा हो, ये हो, ये हो, वो संभव नहीं है, चूँकि हमारे लोग बरगला दिए गए हैं। और जब तक हम शैक्षणिक रूप से सिलेबस हमारे वैज्ञानिक सोच का नहीं होगा, आध्यात्मिक सिलेबस होगा, तब तक हम अपने समाज को कभी जागरूक नहीं बना पाएंगे। जब तक बचपन से, बच्चे से तार्किक सेंटिमेंट नहीं हमारे समाज के बच्चों में उभरेगा, बनेगा, हमारे समाज में पैरियार, ज्योतिबा फूले, इन महापुरुषों, कार्ल मार्क्स, डार्विन, न्यूटन, इन लोगों की बात, पदार्थवादी सोच डेवलप नहीं होगा, तब तक ये सारे सिगुफा, हमारा सारा प्रोग्राम फेल होता रहेगा, जब तक ब्राह्मणवादी सिलेबस चलता रहेगा स्कूल में, और इनका सारा पाखंड चलता रहेगा। बच्चे लोग जाते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, स्कूल में भी सरस्वती पूजा करते हैं, इस तरह का नाना पर हमारे नेता, एक बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमेशा विरोध करते रहे ब्राह्मणवाद का विरोध, अंत में बनारस में वो सेमिनार हुआ, ब्राह्मण लोग कहे कि डॉक्टर लोहिया से उद्घाटन करा दिया, तो ये क्या कर दिया, डॉक्टर लोहिया को बुला दिया, सेमिनार कर रहे हैं इसका उद्घाटन कीजिए, तो लक्ष्मी बड़ी की सरस्वती बड़ी, इसी का सेमिनार लगा दिया, डॉक्टर लोहिया आए और कह दिए कि सरस्वती बड़ी। अब बताइए, तो लोहिया कह रहे एक तरफ सरस्वती मानते नहीं थे, सरस्वती बड़ी, इसका मतलब सरस्वती थी। फिर एक बार मंदिर का उद्घाटन इलाहाबाद में कर दिया डॉक्टर लोहिया, इसी पर रामस्वरूप वर्मा पाखंडी कह करके उनसे जगदेव प्रसाद अलग हो गए कि रे आप एक तरफ उद्घाटन करते हैं ब्राह्मणवादी एथी में जा करके सरस्वती बड़ी की लक्ष्मी बड़ी,
इसका भी उद्घाटन करते हैं, मंदिर का उद्घाटन करते हैं, ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, तो इधर हुआ ना। इसी तरह से हमारे समाज के लोग बरगलाते रहे, चापलूसबाजी में फंसे रहे, और जिसका नतीजा कि हमारा समाज फंसा के फंसा रह गया। एक्सेप्ट बाबा साहब अम्बेडकर के जैसा अभी तक बहुत पैरियार जैसा आदमी, ज्योतिबा फूले जैसा आदमी, जगदेव प्रसाद जैसा आदमी, कर्पूरी जी थे लेकिन जगदेव प्रसाद जैसा नहीं थे। सुधार और परिवर्तन में जमीन आसमान का अंतर है। सुधार तो हर आदमी स्लोगन दिया, लेकिन परिवर्तन कोई नहीं करने का स्लोगन दिया। भारत में इनका इनका भी नाम सुने होंगे आप, राहुल संस्कीर्तन का। राहुल संस्कीर्तन लिखे लेकिन संगठन बना के ब्राह्मणवाद का सफाया नहीं, कोई संगठन नहीं बनाए। किताब लिखे हैं, गंगा से बोलगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, लिखे हैं राहुल संस्कीर्तन, लेकिन ब्राह्मणवाद के सफाया के लिए कोई संगठन जो अर्जक संघ है या अम्बेडकर जैसा बेहतर संगठन बना के ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं कुछ किए। साथियों, कुछ टेक्निकल एरर आ रही है और उम्मीद है जल्द ही सर लौटेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि जो भी ओबीसी वर्ग है, SC ST वर्ग है, इसको बरगलाने के लिए झूठ पर झूठ बोला गया है। आप सोचिए, पूरा राम का एक अस्तित्व खड़ा कर दिया गया और उसकी पैदाइश बताई जा रही है कि वो खीर खाने से उत्पन्न हुआ, यानी कि वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। साइंटिफिक रूप से तो वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। तो जब वो पैदा ही नहीं हुआ तो फिर काहे का राम? असल सवाल तो ये है। तो यही बात हम सभी को समझनी है और लोगों को समझानी है कि वास्तविक किरदार क्या होते हैं और काल्पनिक किरदार क्या होते हैं। किसी भी के भी जन्म का आप देख लीजिए, जो कृष्ण के जन्म का कहानी बताया गया है आपको कि उसका जो मामा था वही उसको मारना चाहता था और जेल में बंद थे, अचानक से हथकड़ी खुल जाती है, जेल खुल जाता है, सारे उसके लोग सो जाते हैं और ये रात में उफंती यमुना नदी में पार करते हुए चले जाते हैं और बच्चा दे आते हैं और चले जाते हैं और कोई किसी को कुछ नहीं पता चलता। जब इतना ही चमत्कार करना था तो सीधे एक ही चमत्कार करता, उठ के जाता, कंस का मार देता, इतनी सब नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? आकाशवाणी हो रही है, ये हो रही है, चमत्कार पर चमत्कार हो रहा है। तो देखिए, जिन काल्पनिक चरित्रों को हमारे ऊपर थोपा गया है, बेसिकली उनका कभी जन्म ही नहीं हुआ। आप उनका जन्म को पकड़ लीजिए, कैसे बताया जा रहा है कि इनका जन्म, तो वहीं से आप पाएंगे कि कहानी वहीं से खत्म हो जाती है, आगे ही नहीं बढ़ेगी। और जो वास्तविक होते हैं चरित्र, बेसिकली उनको इन्हें ढकना है और वास्तविक चरित्रों को ही खत्म करने के लिए इन लोगों ने काल्पनिक चरित्र को लादा है, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके यहाँ आज तक, ये माननीय अरुण गुप्ता जी ने भी बताया कि इनके यहाँ आज तक न कोई ललई सिंह यादव पैदा हुआ, न कोई पेरियार पैदा हुए, न कोई डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए, न कबीर पैदा हुए, न बुद्ध पैदा हुए, न रैदास पैदा हुए, न गुरु नानक देव पैदा हुए। तो जब कोई इनके यहाँ पैदा ही नहीं हुआ तो ये किसकी महत्ता दिखाएंगे? इसीलिए इन लोगों के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये काल्पनिक चरित्र को उठाकर थोप देते हैं और जमकर झूठ बोलते हैं। मतलब जितना फेंक सकते हैं, जितना फेंकू बन सकते हैं, उतना जम के फेंकते हैं कि भाई ये इतना महान था, वो उतना महान था, ये करता था, वो करता था। और उनका क्षेत्र देखो तो कस्बे भर के कहानी है इनकी, काल्पनिक जो कॉमिक्स की होती है। तो इसीलिए हमारे जो पुराने महापुरुष हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका अनुभव सुनना चाहिए। और मैं प्रयास करूंगा कि भारत के और भी जितने हमारे महापुरुष हैं जो संघर्ष कर रहे हैं हमारे वर्ग के लोगों के लिए, उन सबको मैं बारी बारी से यहाँ बुलाता रहूं और उन सब से मैं आपका परिचय कराऊंगा, उन सब के अनुभव मैं आपको सुनाऊंगा। तो इसके साथ ही मैं विदा लेना चाहूंगा।